हमारा भारत कई ऐसे रहस्यों को अपने अंदर संजोए हुए है जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय का समावेश हमारे भारत में है और यह भली भांति फल फूल रही है। भारत में उत्पन्न हुए विभिन्न धर्म और परंपराओं ने विश्व के अलग अलग हिस्सों को काफी प्रभावित किया है। हमारे भारत के मंदिर कई ऐसे रहस्यों और चमत्कारों से भरे पड़े हैं और उनमें से हम आपके लिए लाए हैं पद्मनाभ मंदिर का तहखाना बी का रहस्य। तो चलिए दोस्तों, आज हम वही पद्मनाभ मंदिर के बारे में पूरा जानकारी लेते हैं, उसका रहस्य क्या है उसके बारे में पूरी डिटेल में हम देखते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार की जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो वो आप पहले देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के थिरुवनंतपुरम में विष्णु जी का एक अद्भुत मंदिर है जो कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर भी है। इस मंदिर का नाम है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये मंदिर फिलहाल एक ट्रस्ट चलाता है जो कि त्रावणकोर राजघराने का है। ये मंदिर अपने सीक्रेट तहखानों के लिए फेमस है। इस मंदिर में 8 तहखाने हैं। ये सभी तहखाने मंदिर के बीच में विष्णु जी की मूर्ति के नीचे हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से 7 लोगों की कमेटी बनाई गई और 30 जून 2011 में ये तहखाने खोले गए। कमेटी ने इन तहखानों को ए से जी तक नाम दिया, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी। कमेटी ने जब ये तहखाने खोले तो उन्हें जमीन से लगभग 20 फीट नीचे इन तहखानों में मिला क्या? लगभग 225,000 करोड़ का खजाना। इस खजाने में कई बेशकीमती चीजें मिली, जैसे 18 फीट लंबा हीरो का हार, 500 किलो की ज्वेलरी, सोने के बर्तन, पुराने हथियार, सोने की मूर्तियां, सोने के सिक्कों से भरे बैग्स जिनमें नेपोलियन और इटालियन सिक्के भी हैं। इन सब के साथ पद्मनाभ स्वामी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बन गया। कमेटी को ये खजाना निकालने में 12 दिन लग गए। इन 8 तहखानों में से अभी तक सिर्फ 5 ही खोले गए हैं और सी डी ई एफ तहखाने मंदिर के पुजारियों की कस्टडी में है और हर साल करीब 8 बार इन्हें खोला जाता है और इनमें जमा की हुई चीज़ों को मंदिर की सेरेमनीज में यूज़ किया जाता है। लेकिन बी नाम का तहखाना सदियों से नहीं खोला गया। जब सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंट की हुई कमेटी ने इस तहखाने का मेटल का बना हुआ दरवाज़ा तोड़ा तो उन्हें इसके पीछे एक लकड़ी का दरवाज़ा मिला। फिर जब ये लकड़ी का दरवाज़ा तोड़ा गया तो इसके पीछे एक और लोहे का दरवाज़ा मिला। लेकिन ये दरवाज़ा तोड़ने से पहले ही त्रावणकोर राजघराने ने ये दरवाज़ा ना तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। जी और एच तहखाने कई सेंचुरी से बंद हैं लेकिन उन्हें 18वीं सदी में खोला जा चुका है और उनमें भी कीमती चीज़ें ही हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन तहखाना बी है। मंदिर के ट्रस्ट और इंडिया के बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की माने तो ये तहखाना खोलना बहुत रिस्की और डेंजरस हो सकता है। इस तहखाने के गेट पर 2 सांप बने हुए हैं और इस गेट पर कोई भी नट बोल्ट नहीं है। चौंकाने वाली बात है कि इस दरवाजे के अंदर से सांपों के फुफकाने की आवाज़ आती है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नाग बंधम नाम के मंत्र से सील किया हुआ है और इसको एक सिद्ध पुरुष ने 16th century में सील किया था और कहते हैं कि ये दरवाज़ा सिर्फ किसी बड़े विद्वान साधु से ही खुल सकता है जो गरुड़ मंत्र पढ़ के इस नागबंधम को तोड़ेगा। अभी तक कई साधु आए पर किसी से भी दरवाज़ा नहीं खुला। कहते हैं कि अगर किसी इंसान ने गलत तरीके से दरवाज़ा खोला तो वो सिर्फ अपने विनाश को ही न्योता देगा। और तो और ये भी कहा जाता है कि इस तहखाने के अंदर एक सीक्रेट तहखाना है जो कि सोने की मोटी दीवारों से बना हुआ है जिसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। आज की तारीख में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड जगहों में से एक है जहां करीब 200 गार्ड्स हथियारों के साथ मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। इस मंदिर के खजाने से पता चलता है कि हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा करते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कॉमेंट्स में बताइए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।